तो दोस्तों वीडियो को चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जो भी मेरा नया अपडेट, जो भी नया वीडियो मिलेगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इस टेस्ट के नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, और इस टेस्ट के अगर रिपोर्ट आपकी कम या ज़्यादा आए तो इसके क्या मतलब होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, क्रिएटिनिन टेस्ट में ब्लड में मौजूद क्रिएटिनिन के लेवल को मापा जाता है। दोस्तों, क्रिएटिनिन एक वेस्ट पदार्थ होता है और यह तब बनता है जब हमारे मसल्स यानी कि मांसपेशियों में मौजूद क्रिएट नामक पदार्थ टूटता है। यानी कि जब हमारे मांसपेशियों से क्रिएट नामक पदार्थ टूटता है तो हमारे शरीर में क्रिएटिनिन बनता है। दोस्तों, क्रिएटिनिन टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपके किडनी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे किडनी फिल्टर का काम करते हैं और किडनी जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। किडनी क्रिएटिनिन को भी फिल्टर करके बाहर निकालता है। खून में क्रिएटिनिन के लेवल को जानने के बाद आपको डॉक्टर को यह पता चलता है कि आपकी किडनी यानी कि गुर्दे सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। किडनी हमारे शरीर में फिल्टर का काम करती है और खून में मौजूद वेस्ट पदार्थ को फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है, और किडनी क्रिएटिनिन के भी जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। क्रिएटिनिन टेस्ट में यह पता चलता है कि आपके खून में क्रिएटिनिन की लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका किडनी खून को ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही है और इसकी वजह से आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए यह बता दूं कि जब भी क्रिएटिनिन टेस्ट कराना हो तो इसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है और यह टेस्ट कभी भी आप सैंपल देके करा सकते हैं। लेकिन एक जानने योग्य बात है कि आप जब भी क्रिएटिनिन टेस्ट करा रहे हैं तो कुछ रेगुलर दवाई अगर खाते हैं तो अपने डॉक्टर को बता दें कि कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसकी वजह से क्रिएटिनिन का लेवल जब टेस्ट करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, खून में आपके क्रिएटिनिन का लेवल 0.7 से 1.3 mg पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, कुछ और प्रॉब्लम की वजह से भी आपके क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, जैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, हाई प्रोटीन डाइट की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपके जो भी क्रिएटिनिन लेवल है वो हाई हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद किडनी में इन्फेक्शन की वजह से या किसी वजह से अगर शॉक लगा हो जिससे कि आपके किडनी में रक्त प्रवाह कम हो जाओ, उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो जाता है। और क्या बोलते हैं कि शुगर की वजह से, शुगर का लेवल अगर ज़्यादा हो तो बहुत सारे मामले में ऐसे देखा जाता है कि जिनका शुगर लेवल ज़्यादा हो उनको किडनी की प्रॉब्लम होती है और जिसमें क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार और बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का एक हौसला मिलता है।